सरोकार। सीतापुर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय पाठक ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर पहुंचे, अर्थव्यवस्था को लेकर दिया बड़ा बयान, 2023 में 10,000 करोड़ का होगा निवेश। महाराष्ट्र में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत। गुजरात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह बघेला ने दिया इस्तीफा, राहुल गांधी ने गुजरात दौरे से एक दिन पहले छोड़ी पार्टी। गोवा पुलिस की टीम पहुंची गुरुग्राम, सोनाली फोगट के फ्लैट में करेगी पड़ताल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। खबर शाहजहांपुर से, जहां समर्पण सेवा संस्थान ने महिला सशक्तिकरण, बालिकाओं के उत्थान, पर्यावरण संतुलन, शिक्षा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वस्थ भारत अभियान को ध्यान में रखकर 4 सितंबर को रॉयल पन्ना होटल में प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका शुभारंभ यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना करेंगे। वहीं इस प्रदर्शनी में हस्तकला उद्योग, घुमंतू समुदाय के निर्मित सिलबट्टे चक्की को भी स्टॉल में जगह दी जाएगी। साथ ही एक तहसील एक उत्पाद के अंतर्गत आने वाले सभी उत्पादों को प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। शिक्षक दिवस के उपलक्ष में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। अगर 30 साल पहले कंपेयर करें तो जहां महिलाएं अपने घर से नहीं निकलती थी, जहां घूंघट काट कर निकलती थी, जहां ठीक प्रकार से निकलने की आज़ादी नहीं थी, तो वहाँ इस प्रकार से एक सेल्फ मोटिवेट होना और अपनी तरफ से इन सब प्रोग्राम्स को लेना और उसके बाद उसको परफॉर्म करना, ये अपने आप में अप्रिशिएबल है। सरकार ने भी इस महिला सशक्तिकरण के मामले में बहुत कुछ किया है, लड़की के पैदा होने से लेकर और लड़की के शादी तक कन्या सुमंगला योजना, स्वयं सहायता समूह, 3,003 स्वयं सहायता समूह में हमने 32,39,00,000 रुपया दिया है। लगभग 58,000 से ज़्यादा लोग स्वयं सहायता समूह में आज इंगेज्ड हैं। खबर औरैया से, जहां दस्यु सुंदरी सरला जाटव जो विभिन्न धाराओं में दोषी हैं आज जमानत पर बरी हो गई। बता दें कि एक अपहरण कांड में इटावा की जेल से 17 साल से सजा काट रही थी, वहीं देशम हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इतनी बड़ी दहशत थी उनके पास और इतना डर था कि अगर रपट को जा रहे थे, पुलिस को अगर सूचना कर रहे थे तो हो सकता है उनके परिवार, पूरे परिवार को नष्ट कर दी थी। इसके वजह से उनने कोई एतलाई नहीं करी, कोई रिपोर्ट नहीं करी, कोई मजबूरी रही उनके पास। एक अपहरण के मामले में लगभग 17 वर्ष से वो जेल में बंद थी। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी 17 वर्ष की जेल की अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें उस मामले में जमानत दे दी। अपील अभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष। ये कोई बेहतर नहीं थी, मैं बस शौक से खुशी फरार हो गई। तो सब सुबह में चिचा मार डाली, दो भाई पकड़, पिता को चिचा को पकड़ ले गए थे मेरे, तो उनकी जो है चिचा को ख़त्म कर दो। सल्ला पिताजी को रख कर सल्ला को बुला कर शादी करवाई गई। अजीत मलकोतवाली क्षेत्र के नियामतपुर गांव में है, जहाँ सरला जाटव का अपहरण हुआ था। और अपहरण जो निर्भय गुर्जर के हुआ करता था, उस समय सरला जाटव 7 साल की थी और 7 साल पे निर्भय गुर्जर ने सरला जाटव का अपहरण किया था। उस उनके गांव में कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे।
भाई साहब क्या नाम है आपका? दीप सिंह गुर्जर। जो सरला जाटव थी कैसे अपहरण हुआ था और कैसे दस्यु निर्भय गुर्जर के पास पहुँचे? जबरन उसको अपहरण कर ले गए थे, उसके चाचा को ले गए थे घसीट करके और उसको मार दिया था और उसकी जबरदस्ती ले जाके उसकी शादी करा दी। किसके साथ में शादी? उस शादी उसके जो गैंग का जो सदस्य था श्याम करके था कोई, उसके साथ शादी करवाई थी। ये जो जो कल रिहा हुई है शुक्रवार को, तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है और अगर रिहा भाई है तो अच्छी बात है। वो ले गए थे, उसको अपहरण करके ले गए थे, अब आ गई है तो हर गांव में हर इंसान को खुशी है इस बात की कि वो घर आ गई है, तो अच्छी बात है। और बड़ी सीधी साची अच्छी लड़की थी। जो हम बात कर रहे हैं सरला जाटव का, सरला जाटव की, जो सरला जाटव करीब 17 साल जेल में रहने के बाद आज शुक्रवार को रिहा हुई है। ये प्राइम टीवी से ऋषि तिवारी। बदायूं में सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सोथा में जामा मस्जिद के नीलकंठ महादेव मंदिर को होने का दावा किया गया है। इसको लेकर सिविल जज ने यहां पर वाद दायर किया गया है। वहीं वाद मुकेश पटेल जो हिंदू महासभा के प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने कोर्ट में कई सबूत प्रस्तुत किया है जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। वहीं कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए आदेश दिया है। जनपद बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इलेक्ट्रॉनिक आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इलेक्ट्रॉनिक उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कराई और वो भगवान नीलकंठ महादेव का मंदिर है। आज हमने कोर्ट में हमारा मुकदमा दर्ज हो गया है अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से और हम उस पर आज दर्ज होने पर खुशी दर्ज कर रहे हैं। प्राचीन काल में नीलकंठ महाराज नीलकंठ महादेव का मंदिर था और वो समय समय पर मुगल आक्रांताओं द्वारा उसे उसकी प्रकृति को चेंज किया गया और समय अंतराल के उपरांत उस पर मस्जिद बना दी गई। इस प्रकरण में वादीगण ने दावा दायर किया है कि उसमें जामा मस्जिद जिसे कहते हैं उसमें नीलकंठ महादेव का मंदिर है और उस संबंध में न्यायालय द्वारा पूजा अर्चना करने की अनुमति हिंदू समुदाय को दी जाए। इस मुकदमे में मेन रूप से मैं स्वयं अधिवक्ता वादी के रूप में हाजिर हुआ, श्री ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, श्री विवेक कुमार रेंडर, अर्पित श्रीवास्तव ने विशेष रूप से आर्गुमेंट करके अपनी बात को रखा कोर्ट के सामने, कोर्ट ने हमारी बात को माना। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश संयोजक हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजश्री चौधरी के आदेश अनुसार मैं बधाइयों में नीलकंठ महादेव मंदिर के प्रकरण को लेकर मैं कोर्ट गया हूं और सारे साक्ष्यों के हिसाब से मैंने पूरा सर्च किया है और सर्च करने के बाद मैं जो है कोर्ट में मुकदमा पेश किया है और कोर्ट ने हमारे स्वीकार कर लिया है। 15/9 तारीख पड़ गई है और हमें अपने कानून पर और न्याय पर और अदालत पर हमें पूरा भरोसा है। खबर बलिया से जहां पुलिस ने शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बता दें दोनों अपराधियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वहीं एक आरोपी यूपी का है तो दूसरा बिहार का रहने वाला है। सभी अपराधियों के पास से अवैध हथियार, चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। जनपद बलिया के थाना नरही पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है जिसमें नरही पुलिस द्वारा दो शातिर अपराधी जिनमें एक विक्की गिरी और एक सरोज इंद्रिश, इन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 6 अवैध असले और 5 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बताना चाहेंगे कि विक्की गिरी जो है वह जनपद भोजपुर प्रांत बिहार का रहने वाला है और सरोज इंद्रिश भरौली नरही थाना का रहने वाला है और इन दोनों का आपराधिक इतिहास है। विक्की गिरी पर बिहार में कई मुकदमे दर्ज हैं जिनमें लूट, हत्या का प्रयास, चोरी जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है और इनके पास से बरामद मोटरसाइकिल में से एक मोटरसाइकिल अब तक ट्रेस हो चुकी है। बाकी 4 मोटरसाइकिल इन्होंने कहाँ से चुराई थी
वो अग्रिम विवेचना में पाया जा रहा है। जो 6 अवैध असले इनके पास से बरामद किए गए हैं वो भी उन्होंने कहाँ से खरीदे और आगे कहाँ पे किसको सप्लाई करने जा रहे थे, उस संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रगति है, कार्रवाई चल रही है, जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। खबर फिरोजाबाद से, जहां दो युवकों ने ज्वेलरी की दुकान में लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश की है। बता दें चोरों ने तमंचे दिखा ज्वेलरी मालिक को लूटने की कोशिश की, जहां दुकान मालिक अपनी जान बचाकर बाहर की ओर शोर मचाने लगा, जिससे आसपास के लोग मौके पर मौजूद हो गए। वहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने साथी चोरों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। साढ़े 12 बजे के आसपास में दुकान में बैठा हुआ था, ये दो लोग आए, इसका बांधे हुए थे मुँह पर, फिर उन्होंने मुझसे कही थी कि अंगूठी दिखाओ, मैंने इनको रिंग दिखाई, फिर उसके बाद इन्होंने मुझसे कहा कि घर पे फ़ोन करना है, मैंने घर पे फ़ोन किया इन्होंने, फिर इसके बाद इन्होंने कही कि मम्मी जी आ रही हैं, उन्होंने कहा 10-15 मिनट में मम्मी आ जाएंगी, फिर उसके बाद हम देखेंगे, फिर उसके बाद इन्होंने पानी आने लिया, उसके बाद ही पानी पीने के बाद इन्होंने मेरे पे कट्टा वगैरह निकाल दिया, कट्टा वगैरह दिखाने के बाद जैसे मैंने कट्टा वगैरह देखे तुरंत मैं वहाँ से निकल के आ गया, फिर इतने में वहाँ पे भीड़ भाड़ आई, उन लोगों ने उसको पकड़ा आ गया और फिर उन इतने में फिर पुलिस आ गई, फिर एकदम उसके बाद पुलिस उनको ले गई। खबर गाजियाबाद से, जहां नाबालिग बेटी ने अपने पिता के सर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी है। बता दें मृतक का किसी महिला से अवैध संबंध था और घर पर शराब पीकर मारपीट करता था, जिससे तंग आकर उसकी बेटी ने उसकी हत्या कर दी। शव को कार में रखकर दूर छोड़ दिया गया, जिससे पुलिस गुमराह हो गई। वहीं पुलिस ने सूचना मिलने पर शव को अस्पताल भेज दिया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। साथ ही घटना में इस्तेमाल पत्थर पोछा बरामद कर लिया गया। पुलिस गश्त के दौरान एक वैगनार गाड़ी सेक्टर 23 संजय नगर में खड़ी हुई पाई गई। जब पुलिस द्वारा उस गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें उसकी पिछली सीट पर एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिला। उसे जब संजय नगर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर द्वारा वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जब उस व्यक्ति के पते पर पुलिस पहुंची और वहां पर छानबीन की तो वहां पर एक खून से सना हुआ पत्थर और एक खून से सना हुआ पोछा वो वहां पर मिला। और उस अमित व्यक्ति का नाम अमित कुमार वर्मा था और उसकी पत्नी शालू और उसकी एक नाबालिग बेटी थी। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये पता चला कि उस व्यक्ति के एक किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध थे। खबर हरदोई से, जहां एक युवक शराब के नशे में 10 फीट गहरी खाई में जा गिरा। वहीं युवक का शव सड़ने के बाद ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। बता दें युवक 4 दिन से अपने घर से लापता था, जिसकी तहरीर पुलिस को दी गई थी। साथ ही पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज एक शव बरामद हुआ है तो पुलिस तत्काल सूचना पर पहुंची, तो जब उसके बाद उसकी शिनाख्त किया गया तो ये सत्यपाल पुत्र रामरतन गहोरा का पहचान हुई है, जिससे बाद में पता चला कि किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने की वजह से इनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। पंचायत नामा भर के पोस्टमार्टम में भेज दिया गया, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। संभल के गांव चित्तौरा से पत्नी ने अपनी पति पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। जानलेवा हमले में के दौरान पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना बहजोई के अंतर्गत ग्राम चित्तौरा में आज सुबह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति द्वारा लोहे की रॉड से अपने पत्नी के सर पर वार किया गया, जिसके कारण उसकी पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके पश्चात यह व्यक्ति, जिसका नाम उस्मान है, यह मौके से फरार है। मौके पर जब जांच की गई तो यह जानकारी हुई कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में उनकी पत्नी बिना बताए हुए कहीं चली गई थी। इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी और मारपीट हुई थी, इसके पश्चात यह घटना हुई है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के उचित प्रयास किए जा रहे हैं। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खबर हरदोई से, जहां बीईओ ने प्राथमिक स्कूल का औचक निरीक्षण कर स्कूल का जायजा लिया। वहीं स्कूल प्रधानाध्यापिका और बीईओ के बीच व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर आपस में तीखी नोकझोंक हो गई। साथ ही वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बीईओ की कार्यशैली से नाराज शिक्षकों ने भरवन बीआरसी का प्रदर्शन किया। एसओ का मामला को संज्ञान में लेते हुए विभागीय जांच होने के बाद कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
महानिदेशक स्कूली शिक्षा और एसपीडी साहब के निर्देश क्रम में विद्यालयों की आकस्मिक चेकिंग के लिए निर्देश प्राप्त है। उसी क्रम में खंड शिक्षा अधिकारी संडीला प्राथमिक विद्यालय ढिकुनी में भरावन ब्लॉक के हैं, उसमें जांच में गई थी। उन वहाँ के हेडमास्टर और जो खंड शिक्षा अधिकारी संडीला सीमी निगार हैं उनके बीच कुछ विवाद की पोजिशन आई है। उनके द्वारा अप्लीकेशन दी गई है, क्योंकि शिक्षक और खंड शिक्षा अधिकारी के बीच का विवाद था, तो ऐसे कंडीशन में जिलाधिकारी महोदय से पत्रावली रख करके किसी अन्य विभागीय अधिकारी से जांच कराने के लिए संस्तुत कर पत्रावली आगे बढ़ाई जाएगी। खबर सोनभर से है, जहां पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने सर्च ऑपरेशन कर बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। बता दें, मुखबिर की सूचना पर पुलिस मडिहारन रॉबर्ट्सगंज में सघन चेकिंग के दौरान अवैध शराब से भरा पिकअप जब्त किया है। साथ ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। ये क्राइम ब्रांच और थाना कर्मा की टीम द्वारा कर्मा बाजार से एक कंटेनर पिकअप पकड़ा, जिसमें 124 पेटियां शराब थी। कुल मिलाकर वो 1116 लीटर शराब बरामद हुई एक कंटेनर में। जब उसको चेक किया गया तो उसके पास एक अवैध बिल्टी मिली, जिसमें लिखा गया था कि ये आदमी की गाड़ी है, ताकि उसे कोई चेक न करे। ये माल बिहार सोनीपत जा रहा था, वो बिहार में जा रहा था और हरियाणा सोनीपत से आया था, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मुकदमा 71 IPC व 60-63 आबकारी थाना कर्मा पर दर्ज किया गया। खबर मथुरा से, जहां भारतीय किसान यूनियन ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, वहीं इस सभा में भारतीय किसान यूनियन अजगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीति अतिथि संत राधे बाबूजी ने किसानों को एकजुट होने का आह्वान करते हुए किसानों की जायज मांगों को सख्ती के साथ शासन के समक्ष रखें। वहीं बतौर अतिथि सम्मेलन शामिल पूनम पंडित लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।